पिथौरागढ़ में कनाली छीना विकासखंड के घोलकांडा दोबांस ग्राम पंचायत के लोगों ने पेयजल की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में साल 1980 में पेयजल योजना का गठन हुआ था। साल 2014 में इस योजना पर करोड़ों रुपये की लागत से पुनर्गठन किया गया, लेकिन इतनी भारी भरकम धनराशि खर्च करने के बाद भी ग्रामीणों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के पुनर्गठन होने के बाद ग्रामीणों को पेयजल मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लोगों को 36 किलोमीटर लंबी योजना बनने के बाद भी पीने को पानी नसीब नहीं हुआ। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के साथ जिलाधिकारी से इस योजना को बनाने में की गई अनियमितता की जांच कराने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने पीने के पानी के लिए भी गुहार लगाई है। पंचायत धौलकंडा कुलकटिया तोपास से आई है। हमारी योजना पेयजल योजना बनी थी सन 1980 में, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। पुनर्गठन 2014 में हुआ था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। योजना में बिल्कुल पानी नहीं है। स्रोत से कई 5 योजनाएं इन्होंने बनवा दी हैं और करोड़ों रुपया सरकार का खर्च कर चुके हैं। और जबकि नियम है कि एक स्रोत में जब पानी चल रहा है तो उसके कुछ दूरी होती है, उस दूरी में स्रोत दूसरा स्रोत नहीं लिया जाता है। जाँच करवा रहे हैं विभाग की पूरी और हमें पानी चाहिए। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।